चंद का ज्योमेट्री में ट्रायंगल चैप्टर का उदाहरण 12वां है, पाठ 42। निम्न आकृति में ए डी लंब बी सी पर है, यानी ये आकृति दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी। ये आकृति दी हुई है, इसमें एकमात्र दिया है ए डी लंब है बी सी पर, तो ए डी लंब हो गया बी सी पर, तो इसका मतलब लंब है, तो ये 90 होगा। बस इतनी ही बात दी हुई है और साबित करना है ए डी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर। इसमें हम लोग दोनों समरूप है ये भी नहीं साबित कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अब ये कितना कोण है अल्फा लेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा, लेकिन ये बीटा लेना होगा तो ये 90 माइनस बीटा। इसमें सीधी सी बात है, क्योंकि ए डी लंब बी सी पर है, क्योंकि ए डी लंब बी सी पर है, इसीलिए कोण ए बी बी, यानी ये कोण, इसीलिए कोण ए बी बी बराबर कोण ए बी सी, दोनों 90 डिग्री है, ए बी सी बराबर 90 डिग्री होगा लंब होने के चलते। अब यहाँ पर देखो, दो समकोण त्रिभुज हो गया, पहला समकोण त्रिभुज ए डी बी और दूसरा समकोण त्रिभुज ए डी सी, तो हम लोगों को साबित करना है कि ए डी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर, ये साबित करना है प्रूफ। इसमें सीधा पहले ए बी स्क्वायर का मान निकालो, ए बी देखो समकोण त्रिभुज ए डी बी में ए बी कर्ण है ना, इधर ढक दो तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और कर्ण हो गया ए बी बी में, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी, तो कर्ण हो गया ए बी स्क्वायर, लंब ए डी को मान लो तो ए डी स्क्वायर, आधार मान लो डी बी को तो बी बी स्क्वायर होगा, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, इसको समीकरण एक मान लेंगे, ए बी स्क्वायर का मान निकल गया है। अब सी डी स्क्वायर, सी डी समकोण त्रिभुज ए डी सी में सी डी आधार मान लो या लंब, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा कर्ण होगा, तो सी डी को अगर आधार मानते हो तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, तो पहला समीकरण निकला है ए बी स्क्वायर का मान हम लोग निकाले हैं ए बी स्क्वायर, अब सी डी स्क्वायर का मान निकालो, तो सी डी समकोण त्रिभुज ए बी सी में है, इसलिए लिखेंगे अब समीकरण, सॉरी अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में
समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण डी सी डी, सी डी का मान निकालो, सी डी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर का मान निकल चुका, ए बी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर, तो सी डी तो फार्मूला से तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसमें कर्ण हो गया ए सी, तो ए सी स्क्वायर लंब मान लो, सी डी को ही मान लो, तो सी डी स्क्वायर तब आधार डी ए हो जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर मान निकालना है सी डी का, इसका तो लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर बराबर इसको रखेंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस इधर जाएगा तो माइनस ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको मान लो समीकरण दो। अब देखो ए बी स्क्वायर का भी मान निकल चुका है और सी डी स्क्वायर का भी निकल चुका है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होता है आगे वाला इतना होता है कि नहीं, तो समीकरण एक एवं समीकरण दो को जोड़ने पर सी डी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, कहाँ पर ऊपर वाला लाइन में इस लाइन को कैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर लंब, लंब या तो सी डी को मानो या ए डी को, तो मान लो सी डी को लंब मान लिए तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार ए डी स्क्वायर होगा, इससे नीचे अब इससे नीचे सी डी को रख लिए तो ये प्लस ए डी पीछे आएगा तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यानी सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, समझ गया ना, एक स्टेप हम छोड़ दिए इसी में कंफ्यूजन होता है। अब समीकरण एक और दो को जोड़ दो, एक में है ए बी स्क्वायर नहीं जोड़ेंगे, यहाँ ए बी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर है, समीकरण एक में ए बी स्क्वायर है, दो में सी डी स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसमें समीकरण दो जोड़ रहे हैं तो प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कितना होगा, अब देखो प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कट गया तो बच गया कितना बी बी स्क्वायर, इसीलिए ए बी स्क्वायर जोड़ सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ सी बी स्क्वायर बराबर कितना बच रहा है, बच रहा है बी बी स्क्वायर, बी बी स्क्वायर को हो या बी बी स्क्वायर, तो दिया हुआ है बी बी स्क्वायर तो बी बी स्क्वायर या बी बी स्क्वायर एक ही है, ये बच गया प्लस ए सी स्क्वायर, यही साबित करना है, समझा इसको, ये सब भुक्कलवा हिसाब है, ठीक है तो इस पार्ट में रहने दो।